नमस्कार। पिछले भाग में हमने ठोस आकार के क्षेत्रफल के बारे में जाना। इस भाग में हम ठोस आकार के आयतन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति भाग 3 अध्याय 11। तो आज के विषय है घनाभ, घन, शंकु तथा बेलन। यह आकार जो आपको दिखाई दे रहा है एक घनाभ है, जिसे अंग्रेजी में हम क्यूबर्ड कहते हैं। घनाभ त्रिविमीय आकार है जिसकी तीनों विमाएं बराबर नहीं होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में से किसी एक का शेष की तुलना में असमान होना आवश्यक है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह घनाभ कई आयत को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। उस आयत की लंबाई को हम एल मानेंगे और उस आयत की चौड़ाई को बी मानेंगे, और इस घनाभ को जितनी ऊंचाई पर रखा गया है उसे एच मानते हैं। तो चलिए अब हम घनाभ का आयतन जानते हैं। घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। हम घनाभ का आयतन निकालने के लिए इस प्रकार कल्पना कर सकते हैं। हम यह सोच सकते हैं कि एक घनाभ कई आयत से बना हुआ है जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। एक आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा V। तो हमें इस घनाभ का आयतन L गुणा B को H से गुणा करने पर मिल जाएगा। अब हम जानेंगे घन के बारे में। जब घनाभ की तीनों विमा बराबर हो जाती है तो वह आकार घन कहलाता है। तो चलिए अब हम घन का आयतन जानते हैं। घन का आयतन होता है L गुणा L गुणा L या L क्यूब। यह आकृति जो आपको दिखाई दे रही है एक शंकु है, जिसे अंग्रेजी में हम कोन कहते हैं। लंब वृत्तीय शंकु ज्यामिति की एक ठोस आकृति है। यह किसी सर्कस के तंबू या मंदिर के शिखर की तरह दिखाई देती है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं, यह एक सर्कस का तंबू है जो एक शंकु की तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरह इस मंदिर के शिखर भी एक शंकु की तरह दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम शंकु का आयतन जानते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम अगले आकार की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बेलन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम सिलेंडर कहते हैं। बेलन ज्यामिति में एक त्रिआयामी ठोस की आकृति है। इसका पार्श्व क्षेत्र पृष्ठ वक्र सिरे समान त्रिज्या के वृत्ताकार होता है। बेलन सरल रूप में एक रोलर या समान व्यास का गिलास है। तो चलिए अब हम बेलन का आयतन जानते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम बेलन के आयतन निकालने के लिए इस प्रकार कल्पना कर सकते हैं, जिससे हम उसका मान याद रख सके। हम सोच सकते हैं कि बेलन कई वृत्तों को एक के ऊपर एक रखे बनाए गए हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दे तो हमारे पास बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। पहला उदाहरण, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो पहला, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुणा वृद्धि होगी, और दूसरा, इसके आयतन में कितने गुणा वृद्धि होगी। हमारा पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6L स्क्वायर और पुराना आयतन है L क्यूब। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × 2L × 2L, जो हो जाएगा 4 × 6L स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 4 × पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो हमारा नया पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है। इसी तरह हमारा नया आयतन आ जाएगा 2L × 2L × 2L, जो हो जाएगा 8 × L क्यूब या 8 गुना पुराने आयतन के बराबर। तो हमारा नया आयतन पुराने आयतन के 8 गुना होगा। उदाहरण 2, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है।
यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। समय बराबर होगा कुल आयतन बटा दर के, जो होगा 108 मीटर क्यूब बटा 60 लीटर। 108 मीटर क्यूब बराबर होता है 108,000 लीटर के, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 108,000 लीटर बटा 60 लीटर, जो हो जाएगा 18,000 मिनट। इसे घंटे में परिवर्तित करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 600 घंटे। तो चलिए अब हम उदाहरण 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। पानी रखने के लिए हमें आयतन ज्ञात करना होगा। इसको प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, प्लास्टर करने के लिए हमें उस टैंक का क्षेत्रफल जानना होगा। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उन दोनों टैंकों का आयतन ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण 4, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हमारा आर आ जाएगा 140 बटा 2 या 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर। हमारा आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच या 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा एच या 1.54 बराबर होगा 2.2 गुणा 0.7 गुणा एच। एच हमारा आ जाएगा 1 मीटर। तो चलिए अब हम आखिरी उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। हमारा आर होगा 1.5 मीटर, एच होगा 7 मीटर। दूध की मात्रा निकालने के लिए हमें इसका आयतन निकालना होगा। हमारा आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच या 22/7 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7, जो मान निकालने पर आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। इसे लीटर में परिवर्तित करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 49,500 लीटर। सारांश, हमने ठोस आकार के आयतन के बारे में जाना। जैसे कि घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, घन का आयतन होता है L क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। धन्यवाद।